ये वीकेंड हमारे लिए काफ़ी अलग है। इस बार हम दिल्ली में ना होकर छिंदवाड़ा में और एक खास पर्पस से है, छिंदवाड़ा में सेकंड कॉर्न फेस्टिवल हो रहा है। Madhya Pradesh government has organized the corn festival in Chhindwara and we are here since the last 1.5 days covering Chhindwara, and this morning we are here at corn festival. Can't say it's a very bright and sunny morning, it's been drizzling since last night, so it's all wet, but then we just saw signs of the sun, so we are optimistic that the day is going to be as bright as the corn models that they have put up all over the place. Corn Festival Chhindwara is a two-day festival starting on 15 December Sunday. We are here on the first day and the festival is inaugurated by the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Kamal Nath. इतनी बारिश के बावजूद भी लोगों में बहुत ही उत्साह है और लगभग 2 से 2.5 लाख लोग इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। जो हाईलाइट्स है इस फेस्टिवल की वो है, एक आर्ट एग्जीबिशन है, एक कॉर्न फेस्टिवल फूड कोर्ट है। शाम को मध्य प्रदेश के सीएम मिस्टर कमलनाथ के साथ हमारी मुलाकात होगी इन ऑल प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा एक बॉलीवुड नाइट है जिसमें अरमान मलिक परफॉर्म कर रहे हैं। ये कॉर्न फेस्टिवल है तो शुरुआत तो खाने से ही होनी चाहिए। पातालकोट मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल इलाका है और यहाँ के भारिया जनजाति के लोग, उनका एक अलग तरह का खान पान है, उसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पातालकोट की रसोई सेटअप की गई है और हमने अपने खाने की शुरुआत यहीं से की। कार्याम जो गांव है पातालकोट का, वहाँ की ये बाई है महिला, ये सुष्मिता बाई है, ये कोरिया बाई है, ये मीरा बाई है। ये छींद का मुकुट है सर। हाँ हाँ। जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये मेटल्स नहीं आए थे, धातुएं हाँ, नहीं आई थी हाँ। तो उस समय हम पूरा प्रकृति पे ही डिपेंड थे, तब भी हम सस्ते थे, सवरते थे। तो ये शादी के समय पहने जाने वाला मोर मुकुट, सबसे स्पेशल बात सर इस बात की है कि ये छींद का बना है और छिंदवाड़ा का नाम छींद की वजह से ही छिंदवाड़ा है। तो ये हमारे यहाँ अभी भी इनके लोगों की शादी ब्याह में पहना जाता है। फाइनली फाइनली आपकी ड्रेस से मैच भी हो रहा है। हाँ, मेरे कपड़ों के साथ। While we were busy clicking selfies, they prepared lunch for us and laid out tables inside Patalkot ki rasoi. Hamare khane ki thali mein thi makke ki roti, chane ka saag, bhejla tomato chutney, kutki chawal, fresh salad and last but not the least corn ka halwa. पहली बार लगा मक्के की रोटी पर केवल पंजाब का ही एकाधिकार नहीं है, मध्य प्रदेश की मक्का की रोटी भी उतनी ही लाजवाब है। बिग थैंक्स टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर हैविंग अस एट द छिंदवाड़ा फूड फेस्टिवल एंड लेटिंग अस रिलिश दिस ब्यूटीफुल मील। आवर लंच गॉट इवन बेटर व्हेन विमेन फोक स्टार्टेड सिंगिंग देयर ट्राइबल सॉन्ग। The food court at Chhindwara Corn Festival was way beyond Patalkot ki rasoi. There was a lot of fun activities outside this stall and we started exploring that. The first thing was dhuen wala paan. In tune with Chhindwara's commitment towards cleanliness of the city, we inaugurated a
plastic bottle crushing machine. Interestingly, if you crush a single-use plastic bottle in the machine, you get 5 rupees cash back in your digital wallet. Way to go, Chhindwara! कॉर्न फेस्टिवल के फूड जोन में लगभग 80 स्टॉल्स में सैकड़ों किस्म की कॉर्न से बनाई डिशेज अवेलेबल हैं। आप इसी से कॉर्न की वर्सेटैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे कॉर्न की बर्फ़ी, लड्डू, मठरी और इवन मूस, और मूस से लेकर जूस और सूप जैसे बेवरेजेस भी कॉर्न से ही बनाए गए हैं। This is the first prize thing. Yeah, this is the first prize thing. You must try. This is mousse. Okay. And this is corn cupcakes. You must try. You can feel the taste of corn in this. Really? फूड जोन के अलावा कॉर्न फेस्टिवल की एक और हाईलाइट कॉर्न बेस्ड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेंटिंग्स बना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनमें से 12 बेस्ट पेंटिंग्स को एक कैलेंडर में शामिल किया गया जिसे मुख्यमंत्री कमल नाथ ने लॉन्च किया। 10,000 पेंटिंग्स मेन प्रोग्राम हॉल की दीवारों पर भी डिस्प्ले की गई। The Chhindwara Corn Festival belongs to the people of Chhindwara. Throughout the festival, there were cultural performances by school students and other artists on the main stage. From folk songs to tribal dances, we cherished the rich cultural heritage of Madhya Pradesh during the Corn Festival 2019. Our day ended with an interaction with Mr. Nakul Nath, MP and son of CM Kamal Nath. My vision of bringing a horticulture and agriculture college here primarily is that the youth of today can learn about farming in this agriculture college and horticulture college and put that knowledge to use in their fields. So I am looking at a young youth who has a mobile phone in his hand, wears jeans and goes into the fields to do agriculture. That's my dream.